डीसीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं रेडियो के अंदाज में दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। पहली खबर है चार धाम यात्रा से जुड़ी। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। बताया गया है कि ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए किया गया है। अगली खबर है टिहरी से। बारिश के मौसम में किसान खेतों में धान की रोपाई करते हुए तो दिखाई देंगे, लेकिन उत्तराखंड के टिहरी में किसानों ने जो किया जानकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ किसानों ने सड़क पर रोपाई की। सड़क का कार्य मरम्मत न होने के कारण किसानों में आक्रोश देखने को मिला। अगली खबर है आपदा से जुड़ी। चमोली में 7 फरवरी को आई आपदा पर GSI का नया खुलासा। बताया 50 मिनट में आई भारी तबाही, हिमस्खलन का नतीजा थी। खबर है उत्तराखंड भू कानून से जुड़ी। उत्तराखंड में चुनावी साल में भू कानून की मांग ने पकड़ा जोर। सियासी दलों तक पहुंचने लगी इस मुद्दे की आंच। अगली खबर है मोटर मार्ग से जुड़ी। मीनस अटार रोड की होगी कायापलट। भाजपा नेता व निदेशक एप्पल फेडरेशन उत्तराखंड प्रताप रावत ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। खबर है कोरोना फर्जीवाड़े से जुड़ी। कुंभ हरिद्वार में कोरोना फर्जी टेस्टिंग की जांच कर रही SIT ने फर्म और लैब के बीच डील कराने वाले बिचौलियों से 5 घंटे पूछताछ की। अगली खबर है हरबटपुर से। हिंदू जागरण मंच द्वारा हरबटपुर चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर किया लव जिहादियों का पुतला दहन। अगली खबर है बांध प्रभावितों से। यमुना नदी पर बन रहे बांध प्रभावितों ने विकास नगर तहसील अंतर्गत उत्तराखंड जल विद्युत निगम कार्यालय डाक पत्थर पर प्रदर्शन कर तालाबंदी की। अंतिम खबर है देहरादून सर्राफा बाजार से। देहरादून के सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले बदलाव आया है। आज यहां 24 कैरेट सोने की कीमत 43,670.0 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो 22 कैरेट सोने का भाव 43,698.0 रुपए प्रति 10 ग्राम है। तो ये आपने सुनी रेडियो के अंदाज में दिन भर की तमाम मुख्य खबरें। इसी तरह की अन्य दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ रोजाना रात 9 बजे DCP न्यूज़ पर।